कुदारे बाहुबली अतीक अहमद के दो करीबी रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया गया। धूमनगंज थाने में इमरान और जीशान पर केस दर्ज किया गया। दलित के मकान को कब्जाने की कोशिश का आरोप है। छेड़खानी के आरोप में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाहुबली अतीक अहमद के दो करीबी रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया गया। धूमनगंज थाने में इमरान और जीशान पर केस दर्ज किया गया। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां धूमनगंज थाने में इमरान और जीशान पर केस दर्ज किया गया है। बाहुबली अतीक अहमद के ये दोनों करीबी रिश्तेदार हैं और दोनों पर अब केस दर्ज किया गया है। दलित के मकान को कब्जाने की कोशिश का आरोप है इनके ऊपर। आपको बता दें, अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियों को कब्जा है, उन सभी पर अब कार्रवाई हो रही है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी के मदरसों को लेकर आज बड़ी बैठक है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक बुलाई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी बैठक में बुलाए गए हैं। तो बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक में बुलाया गया और यूपी के मदरसों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। यूपी के मदरसों को लेकर आज लखनऊ में बड़ी बैठक होगी और मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी बुलाया गया, साथ ही बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक में आने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि मदरसों को लेकर कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक में बुलाया गया है, आपको बता दें, और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया। उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। हम आपको तीन तस्वीरें